नमस्कार, आप देख रहे हैं राज्यसभा टीवी और मैं हूं अभिलाषा पाठक। बहुत बहुत स्वागत है आपका राज्यसभा समाचार में। आइए शुरुआत करते हैं मुख्य समाचार के साथ। विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के आरक्षण रोस्टर पर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका मंजूर नहीं होने पर अध्यादेश या विधेयक लाएगी सरकार। राज्यसभा में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मामले का हल निकलने तक भर्ती पर रोक का भी दिया भरोसा। राज्यसभा में राफेल डील को लेकर गतिरोध, कांग्रेस की ओर से कार्यवाही में अवरोध पैदा किए जाने से कार्यवाही बाधित, सदन की कार्यवाही सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित। सभापति एम वेंकैया नायडू ने सदन में पॉम्पलेट बात पाए जाने पर जताई कड़ी नाराजगी। राज्यसभा महासचिव से मामले की जांच करने को कहा, अवरोध पर भी सभापति ने जताई कड़ी नाराजगी। राज्यसभा में आज भी गतिरोध की वजह से सदन की कार्यवाही बाधित हुई। सदन में राफेल सौदे पर कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के अवरोध के चलते कार्यवाही बैठक शुरू होने के कुछ देर बाद ही सोमवार तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। सदन में जरूरी पत्रों को रखे जाने के बाद मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने विश्वविद्यालयों और कॉलेज के आरक्षण रोस्टर के मुद्दे पर सरकार की स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका मंजूर नहीं होती है तो सरकार के पास अध्यादेश या विधेयक लाने का विकल्प खुला है और सरकार इस विकल्प का इस्तेमाल करेगी। प्रकाश जावड़ेकर ने मुद्दे के समाधान तक भर्ती पर रोक का भरोसा भी दिया। सर, पिछले दो दिन दिन से एक विषय बहुत महत्वपूर्ण निकला जिससे लोग आंदोलित थे कि यूनिवर्सिटी में आरक्षण कैसे होता है, तो मैं आज ये बताना चाहता हूँ कि सबकी भावना भी सुनी है और सरकार हमेशा सामाजिक न्याय के पक्ष में है, तो रिव्यू पिटीशन खारिज होने की स्थिति में हम अध्यादेश, ऑर्डिनेंस या बिल जो भी है वो करने का हमने फैसला किया है। आपकी यही मांग थी, वो सरकार कर रही है। और आई एम नॉट गोइंग टू अलाउ दिस टू हैपन, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। सेल पेपर हुई सुप्रीम कोर्ट, वो भी मैं कल ले करता हूँ क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कितना पक्ष रखा है। और हमने नया स्टडी किया है जिसमें 30 यूनिवर्सिटीज का केस स्टडी करके कि अभी अगर डिपार्टमेंट वाइज करेंगे तो कैसे अन्याय होता है शेड्यूल का, शेड्यूल ट्राइब ओबीसी पर, ये पूरा हमने विश्लेषण किया है। और इसलिए अगर रिव्यू पिटीशन मंजूर नहीं होता तो हम सरकार का ये विकल्प खुला है कि ऑर्डिनेंस या बिल। राइट राइट प्लीज। तब तक ये भर्ती कहीं नहीं होगी, ठीक है, ये भी हम इंश्योर करेंगे। इसके बाद सदन में पैम्फलेट पाए जाने की जानकारी मिलने पर सभापति ने कड़ी नाराजगी जताई और राज्यसभा महासचिव से मामले की जांच करने को कहा। किसने दिया? Yes. How can anybody distribute pamphlets in the house? How can anybody distribute pamphlets or this leaflets in the house? We order an inquiry. Secretary General to order an inquiry. And then find out. सभापति ने बताया कि रोस्टर मामले पर कई सदस्यों के नोटिस मिले हैं, लेकिन मंत्री के जवाब के बाद मामले का समाधान हो चुका है। उन्होंने बताया कि राफेल मामले पर भी कुछ सदस्यों के नोटिस मिले हैं। सभापति ने सुझाव दिया कि राष्ट्रपति के अभिभाषण से जुड़े धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सदस्य इन सभी मुद्दों को उठा सकते हैं और सरकार से जवाब मांग सकते हैं। ऑनरेबल मेंबर्स, आई हैव रिसीव्ड नोटिस अंडर 267 प्रोफेसर मनोज कुमार झा विद रिगार्ड टू दैट रोस्टर थिंग दैट हैज बीन सेटल्ड अलोंग विद मीसा भारती, देन श्री डी राजा अबाउट द सेम इश्यू, श्री रवि प्रकाश वर्मा अबाउट द सेम इश्यू, श्री जवेद अली खान अबाउट द सेम इश्यू, श्री अशोक सिद्धार्थ अबाउट द सेम इश्यू, श्री संजय सिंह अबाउट द सेम इश्यू, एंड देन दैट हैज बीन ऑलरेडी डिस्कस्ड एंड देन आंसर्ड, श्री यलमारन करीम अलेजेड इंटरवेंशन बाय पीएमओ इन राफेल डील,
Sri Anand Sharma demand for JPC investigation to allege irregularities in corruption in Rafael deal. I have deserved them. Now you have a great opportunity of discussing all these issues in detail and question. You please sit down, na? And then demand answer from the government during the discussion on President's address to the House. That's a larger opportunity given to all of you. Please, already we have lost so much time, and we are left with only 3 more days. I appeal to all the members once again, please allow the House to function and then discuss these issues in President's address. That's my advice to all of you. लेकिन कांग्रेस सदस्यों ने कार्रवाई में अवरोध पैदा किया, जिसके बाद सभापति को राज्यसभा की कार्रवाई सोमवार तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। House is adjourned to meet at 11 a.m. on Monday. That is the 11th. पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। वहीं राज्यसभा में आज कई अहम पत्र सभापटल पर रखे गए। इसके अलावा सदन में सभापटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति का प्रतिवेदन पेश किया गया। सदन में अलग अलग मंत्रालयों से जुड़े अहम पत्र सभापटल पर रखे गए। केंद्रीय मंत्री सीआर चौधरी ने उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के लिए पत्र सभापटल पर रखा। ऑनरेबल चेयरमैन सर, विथ योर काइंड परमिशन, ऑन बिहाफ ऑफ माय सीनियर कोलीग श्री रामविलास जी पासवान, आई ले ऑन द टेबल ऑफ द हाउस पेपर्स लिस्टेड अगेंस्ट हिज नेम एट सीरियल नंबर 1 इन टुडेज रिवाइज लिस्ट ऑफ बिजनेस। थैंक यू सर। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के लिए पत्र पेश किया। सभापति जी, मैं आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 2 के ऊपर मेरे वरिष्ठ साथी श्री राधा मोहन सिंह जी के नाम के सम्मुख दर्शाए गए पत्र सभापटल पर रखता हूँ। केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा ने संचार मंत्रालय के लिए पत्र सभापटल पर रखा। सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची की क्रम संख्या 3 पर मेरे नाम के समक्ष उल्लिखित दस्तावेजों को सभापटल पर रखता हूँ। केंद्रीय मंत्री विजय गोयल ने इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के लिए पत्र पेश किया। चेयरमैन सर, ऑन बिहाफ ऑफ माय कोलीग श्री एसएस अलुवालिया, आई राइज टू ले ऑन द टेबल ऑफ द हाउस द पेपर्स लिस्टेड अगेंस्ट हिज नेम एट सीरियल नंबर 4 इन टुडेज रिवाइज्ड लिस्ट ऑफ बिजनेस। केंद्रीय मंत्री राजेंद्र गोहेन ने रेल मंत्रालय के लिए पत्र सभापटल पर रखा। सर, आई राइज टू ले ऑन द टेबल ऑफ द हाउस The papers mentioned against my name at serial number 5 in today's revised list of business. केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के लिए पत्र पेश किया। आपकी अनुमति से क्रम संख्या 6 के सामने मेरे नाम के सम्मुख प्रपत्र हिंदी और अंग्रेजी में सभापटल पर रखता हूँ। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने रसायन और उर्वरक मंत्रालय के लिए पत्र सभापटल पर रखा। सर, विथ योर परमिशन, आई राइज टू ले ऑन द टेबल ऑफ द हाउस द पेपर लिस्टेड अगेंस्ट माय नेम एट सीरियल नंबर 7 इन टुडेज रिवाइज्ड लिस्ट ऑफ बिजनेस। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के लिए पत्र पेश किया। सर, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 8 के सम्मुख मेरे साथी गजेंद्र सिंह जी के नाम के सामने दर्शाए गए प्रपत्र सभापटल पर रखता हूँ। सीपी ठाकुर ने सभा पटल पर रखे गए पत्र संबंधी समिति का प्रतिवेदन पेश किया। डॉक्टर सीपी ठाकुर सर, विथ योर परमिशन, आई राइज टू प्रेजेंट 156 रिपोर्ट इन इंग्लिश एंड हिंदी ऑफ द कमिटी ऑन पेपर्स लेड ऑन द टेबल राज्यसभा ऑन डिलेड लेइंग ऑफ एनुअल रिपोर्ट एंड ऑडिटेड अकाउंट्स ऑफ सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी एंड महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। राज्यसभा समाचार में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।